हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टायर ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जयपर टायर के ऊपर। दोस्तों ये जो होती है हमारी, इन्हें हम जयपर बोल देते हैं। और दोस्तों ये दोनों ही पीछे के टायर हैं। जी हाँ, ये पीछे के टायर हैं। और दोस्तों काफी लोग जयपर टायर डलवाना पसंद करते हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है, क्योंकि उससे जो है काफी अच्छी ग्रिप मिलती है और स्मूथ बाइक चलती है जयपर टायर से, और काफी लोग जयपर टायर पसंद करते हैं। तो उसी को देखते हुए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, और आई होप इस वीडियो के अंदर आपको खत्म हो जाएगा डाउट कि हमें जयपर के अंदर कौन सा टायर लेना चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास जो टायर है जयपर के अंदर, वो है MRF का जयपर वाई, और ये है जूम, जूम प्लस के नाम से आता है सीएट का। दोनों ही अच्छे टायर हैं, दोनों ही ब्रांडेड टायर हैं, और दोनों ही मार्केट में काफी अच्छी गुडविल है इनकी। और दोस्तों मेरे पास, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टायर हैं। मैंने आपको बताया, जैसे कि मेरे पास जो है, पहले हम देखते हैं MRF का टायर। MRF का ये जो टायर है, ये फ्रंट और रेयर टायर है दोस्तों, और जयपर टायर है। जयपर में आपको फिर से बता देता हूँ, इन चीज को हम जयपर बोलते हैं। काफी लोग इस डिजाइन का टायर डलवाना पसंद करते हैं, काफी अच्छी ग्रिप दे देता है और स्मूथ बाइक, मेरे हिसाब से काफी अच्छी आपको बाइक इजी राइड, मतलब इजी राइड करते हैं आप बिल्कुल बाइक के ऊपर। तो दोस्तों इस तरीके से इसका कुछ डिजाइन है, देखिए आप, डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है जयपर के हिसाब से। जयपर में इसी तरह के डिजाइन आते हैं दोस्तों, और ये मतलब जयपर में फ्रंट में भी टायर आता है और रेयर में भी आता है। तो बस ये दोस्तों, ये जयपर जो है ये रेयर के टायर है दोनों। फ्रंट के लिए अलग मॉडल आते हैं, बट ये जो टायर है ये जयपर के रेयर टायर है। देख लेते हैं इसका कुछ डिजाइन, इस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। और इसका जो साइज है दोस्तों, ये 80/18 है, यानी कि ये ट्यूबलेस टायर है, दोनों ही ट्यूबलेस टायर है। इसका MRF की ब्रांडिंग इस तरीके से, ये कुछ देखिए आप। और इसका साइज मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम है MRF नाइलो ग्रिप जयपर वाई। और दोस्तों इसका जो साइज है वो है 80/18, ये देखिए दोस्तों 80/18 इसका साइज है। और मैं आपको इसको ट्यूबलेस लिखा हुआ दिखा देता हूँ एक बार, ये लिख रहा है इसको ट्यूबलेस। तो दोस्तों डिजाइन काफी सिंपल सा है, अच्छा लगता है, पर देखने में बाइक को भी काफी अच्छी लुकिंग दे देता है, और ग्रिप तो काफी अच्छे टायर दे देते हैं आपकी बाइक को, और चलने में भी काफी अच्छा लगता है। आप जब बाइक चलाते हैं काफी इजी आपको महसूस कराते हैं ये टायर। दोस्तों काफी लोगों की पसंद होती है ये टायर, मतलब जयपर वाले टायर। दोस्तों इसमें जो वारंटी दे रही है कंपनी, वो 5 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी दे रही है, और इसके अलावा कोई वारंटी देती नहीं है MRF। और टायर काफी अच्छा है, आपको अच्छी सर्विस देगा, बट वही है दिक्कत, वारंटी के हिसाब से जो अनकंडीशनल वारंटी काफी कंपनी दे रही है, वो MRF नहीं दे रही है। बस इसके अलावा काफी अच्छा टायर है, आप इस टायर की तरफ जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये टायर काफी अच्छा रेस्पॉन्स देगा, और मेरे हिसाब से काफी अच्छा टायर है। इसका जो रेट होगा मार्केट के अंदर, वो लगभग 1300 से लेकर 1400 के बीच में आपको मिल जाएगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये काफी अच्छी सर्विस देगा। अगर आप जयपर टायर डलवाना चाहते हैं, मतलब जयपर टायर आपको डलवाना है अपनी बाइक के अंदर, और तो आप इस टायर की तरफ जा सकते हैं। ये स्प्लेंडर में लग जाता है, पैशन में भी लग जाता है, 80/18 जेल लग जाता है, और सिटी डीलक्स वगैरह में लग जाता है, HF डीलक्स वगैरह में, जिसका भी साइज 275 हो या 80/18 हो। मेनली जो हमें देखना है वो 18 नंबर, मतलब लास्ट का साइज देखना है, जिसमें भी 18 हो लास्ट में, उसमें ये टायर लग जाएगा। काफी अच्छी सर्विस आपको ये देगा टायर। नेक्स्ट जो हमारे पास टायर है वो है सीएट का जूम प्लस, मैं से रख देता हूँ। ये रहा सीएट की ब्रांडिंग, कुछ इस तरीके से है, इससे ढक रहा है सीएट, आप देख रहे हो तो। और इसका जो साइज है वो भी 80/18 है, 100 यहाँ पे ढक रहा है, ये रहा 80/18 इसका साइज है। और ये भी दोस्तों ट्यूबलेस टायर है, ये लिख रहा है इस पर ट्यूबलेस। और इसकी जो ब्रांड, मतलब नाम जो है टायर का, सिक्योरा जूम प्लस करके कुछ इसका नाम है, ये रहा सिक्योरा जूम प्लस के नाम से ये टायर आ जाता है, जूम प्लस, ये रहा। और इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है, डिजाइन मेरे ख्याल से MRF से काफी अच्छा लग रहा है डिजाइन। अगर डिजाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन है, मेरे हिसाब से काफी अच्छा कंपनी ने डिजाइन बनाया है। ये देखिए ग्रिपिंग भी काफी अच्छी लग रही है टायर की, अगर साइड वॉल देखिए, बहुत हैवी तो नहीं कहेंगे, फिर भी ठीक ठाक है साइड वॉल, काफी ठीक है, मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूँ इजीली, कुछ हो नहीं रहा, ठीक है टायर।
और इसकी ग्रिपिंग आप देख चुके हैं दोस्तों। और इसमें जो कंपनी वारंटी दे दी है वो 5 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देती है और 3 ईयर अनकंडीशनल वारंटी देती है। और मतलब अनकंडीशनल में अगर टायर आपका मान लीजिए किसी तरह से कट जाता है या फट जाता है तो टायर क्लेम हो जाएगा। इसके अलावा कोई वारंटी आती नहीं, मतलब होती नहीं है तो देगी कहाँ से। और थ्री ईयर अनकंडीशनल प्लस 5 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देती है जो कि काफ़ी अच्छी वारंटी है मैं कहूँगा। और अगर कोई भी टायर में आपका डिफेक्ट होता है तो टायर क्लेम हो जाएगा। वियर चार्ज आपको देने ही होगा दोस्तों, वो आपको पता ही होगा। वियर चार्ज दे के आपका टायर क्लेम हो जाएगा दोस्तों। इसका जो रेट होगा मार्केट के अंदर वो भी लगभग आपको 1300 से लेके 1400 के बीच में आपको मिल जाएगा, मतलब सेम रेट के ये दोनों टायर हैं। तो दोस्तों आपको इन दोनों में से टायर मेरे हिसाब से आप सीएट की तरफ जा सकते हैं क्योंकि इसमें जो वारंटी है वो एक्स्ट्रा है और सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी दे देता है, ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन भी हर तरीके से टायर काफ़ी अच्छा है सीएट का, जूम प्लस, सिक्योरा जूम प्लस। और रेट के हिसाब से भी दोनों सेम से ही हैं, बट इसमें गारंटी थोड़ी एक्स्ट्रा है, प्लस इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं अगर दोनों को कंपेयर करूँ सीएट और एमआरएफ के को तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों डिज़ाइन, आप सीएट का काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको डिज़ाइन। तो आप मतलब डिज़ाइन की तरफ से भी सेफ्टी का काफ़ी अच्छा टायर है। अब मैं देख पा रहा हूँ जैसे यहाँ पे दोनों टायर ही खड़े हैं तो इसका जो ये है खड़ाई ये टायर की वो काफ़ी ऊँची लग रही है हमारे से सीएट की। तो आप इस टायर मतलब इस तरह के भी देख सकते हैं कि सीएट का जो माल है वो सीएट में ज़्यादा है, मतलब सीएट के टायर में काफ़ी अच्छा माल कंपनी ने दिया है। तो दोस्तों आपको अगर जैपर टायर लेना है तो आप और आपको मतलब पीछे के लिए टायर लेना है जैपर वाला तो आप सीएट की तरफ जा सकते हैं, सीएट सिक्योरा जूम एफ और सिक्योरा जूम प्लस। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये टायर जो है काफ़ी अच्छी सर्विस देगा प्लस वारंटी भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों आपका ये जो डाउट है जैपर वाला कि आपको कौन सा टायर डलवाना चाहिए जैपर के अंदर एमआरएफ और सीएट में से, आई होप ये डाउट खत्म हुआ होगा। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।